Hello students, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia. I am Pushpanjali Chalia here. आज मैं आप लोगों के लिए इट्स रेनिंग लेसन के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ. हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हुए लिखेंगे. तो बच्चों आप लोग एक नोटबुक निकाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा. इट्स रेनिंग लेसन में आपने वीडियो देख लिया होगा कि अप्पू जो है एक हाथी, उसने वह इस केले को पेड़ को जब केले के पेड़ को जब देखा कि वह खराब हो रहा है, सूख रहा है, नीचे की ओर झुक रहा है, तो उसने उसकी उसको पानी से सींचा. लेकिन हम सभी जानते हैं कि असल में हाथी जो है वह पेड़ पौधों की सिंचाई नहीं करता है. ये तो बस बताया गया है, क्योंकि तब हम भी ये सोच सकते हैं कि कोई भी पेड़ पौधा अगर सूखा दिखे, जब बारिश ना हो रही हो, तो हम भी उसमें पानी डालने को हमें भी मन करे. तो ठीक है, पेज नंबर 60 में है प्रश्न उत्तर. हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर. अप्पू को कैसे पता चला कि बनाना ट्रीज को पानी चाहिए. अप्पू को क्या हुआ कि उसने जब देखे कि पेड़ जो है वह ड्रूपिंग हो रहे हैं, नीचे की ओर झुक रहे हैं, तभी उसे पता चला कि इन्हें पानी की आवश्यकता है. लिख के बताएंगे कि बनाना ट्रीज वेर ड्रूपिंग. बनाना ट्रीज वेर ड्रूपिंग. दिस मेड अप्पू नो दैट बनाना ट्रीज नीडेड वाटर. बनाना ट्रीज जो है वह झुक गए थे, सूख भी रहे थे, तो इसी से अप्पू को पता चला कि बनाना ट्रीज को पानी चाहिए. दूसरा प्रश्न है, From where do the plants growing around your house get water? आपके घर के आसपास के प्लांट्स में पानी कहाँ से पानी मिलता है? आपके आसपास में जो भी प्लांट्स हैं, तो the plants हम लोग को तो खुद से पानी देनी पड़ती है, या फिर कभी क्या होता है कि बारिश से मिलती होगी, या फिर किसी के घर में माली रहता होगा. The plants growing around my house get water from rain. हाँ, जो हमारे surroundings के बाहर उगे पेड़ होते हैं, वो तो rain water ही उसको मिलती है. Next, Appu drank water. Appu ने पानी पी from the river, उस नदी से. Till he was happy, जब तक वह खुश ना हो गया हो. Have you seen animals drinking water? Where? हाँ बच्चों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है. क्या आप लोगों ने कभी एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है? अगर आप लोग के घर में कोई भी पेट है, तो आपने जरूर देखा होगा कि हम अपने पेट्स को पानी का एक कटोरी अलग से देते हैं और खाने का अलग. मतलब कि हर पेट्स को पानी चाहिए होता है. इसको आप लिखेंगे, Yes, I have seen animals drinking water in the following place. Pond, waterfall, drain. इन जगहों में हम लोग जब रास्ते में जाते हैं, तो हमें जरूर दिख ही जाते हैं बत्तख, गाय, कोई भी पानी पी रहा होता है कभी तो रास्ते के साइड में भी, और घर में भी हम लोग इनको पानी अलग से देते हैं. Okay? Now, Have you ever given water to any animal? कभी आपने किसी एनिमल को पानी दी है पीने को? If yes, which animal? अगर हाँ, तो कौन से एनिमल को? मैं यही बोलना चाहती थी कि हमें हमेशा ही गर्मी के मौसम में, जब बारिश बहुत दिनों तक नहीं होती है, तो पानी की एक बाल्टी या फिर एक कटोरी कम से कम चिड़ियों के लिए दे देनी चाहिए. हाँ, अगर हम एनिमल्स को सबको नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, लेकिन चिड़ियों के लिए तो देनी ही चाहिए. ओके, आंसर नंबर 5. यस, 4. आंसर नंबर 4. हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल? यस, आई गिव वाटर टू ए काउ एंड ए डॉग. इसी तरह से आपने जिसको भी कभी पानी पिलाया हो, वो भी लिख सकते हैं. Some animals are not given water by anyone. From where do they drink water? कोई animals तो होते हैं जिन्हें कि कोई भी पानी नहीं देता है. तब वो उन animals को पानी कहाँ से मिलता है? उनको natural source से पानी मिलता है ना बच्चों?
They can drink. Some animals are not given water by anyone. So they can drink water from drains, ponds, rivers, etc. तब उन्हें natural source का पानी पीना पड़ता है, जो कि forest में रहने वाले animals होते हैं. Forest में कोई भी pond होगा या फिर rivers होंगे तो उसके side पे जाके वो लोग पानी पीते हैं. और जो हमारे आसपास होते हैं गाय वगैरह, वो कभी कभी drain की पानी भी पीते हैं. Okay. You read in the story that Appu watered the banana tree. Appu ने आपने पढ़ा इस लेसन में कि अप्पू ने पानी बनाना ट्री को पानी दी, सिंचाई की. But elephants don't water trees. हाँ, ये तो हम जानते हैं कि elephants कभी पानी नहीं डालता पेड़ों पर. Then where do plants get water from? तब plants को पानी कहाँ से मिलता है? Plants mostly get water from rain. Plants को almost rain की ही, बारिश की ही पानी मिलती है. When it rains, plants seem to get a new look. जब बारिश का मौसम होता है तो plants बहुत ही अच्छे सुंदर से लगते हैं. Let us read a poem. एक poem दी गई है जिसमें इस बारे में mention किया होगा. चलिए इसको पढ़ते हैं. Clouds, poem का नाम है Clouds. Fair and white, grey and black, the clouds arrive in a magic pack. Elephants and horses, dogs and fawns, sometimes they look like a pair of swans. In moments they come, in moments they go. Sometimes they freeze and for weeks they stay. And sometimes they disappear for many a day. Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of wonder. And sometimes they hail, pelting the ground, breaking the glass in ringing chimes. Harish Nigam ji ka likha hua hai. Ye is cloud kavita ke kavi hai. Harish Nigam. Translated from the Hindi. Hindi kavita ki translate ki gayi hai. Chakmak Eklavya. Isme ek kavita thi. Isi kavita ko Harish Nigam ji ne क्लाउड्स इंग्लिश कविता के रूप में ट्रांसलेट किया है. तो इस कविता को हम समझाते हैं थोड़ी देर. कि क्लाउड्स मतलब कि बादल, आप सबको पता है बादल होता है. कभी तो फेयर एंड वाइट, कभी तो बहुत सफेद एकदम साफ दिखता है, कभी ग्रे एंड ब्लैक, कभी तो काला सा गंदा सा दिखता है. कि कौन दिखता है? बादल दिखते हैं. द क्लाउड्स अराइव इन ए मैजिक पैक. क्लाउड्स जो है वह एक मैजिक पैक बताया गया है क्लाउड्स को, क्योंकि क्लाउड्स अनेक सारे शेप और कलर्स लेकर आता है. क्लाउड्स जब हम लोग आसमान में देखते हैं ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ, क्लाउड्स के बहुत सारे शेप्स होते हैं जो देखने में बहुत मजा आता है. एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स. कभी तो वे क्लाउड जो है एलिफेंट जैसा दिखता है, कभी हॉर्सेस जैसा, फिर कभी तो डॉग्स जैसा, और फॉन. फॉन जो है वह होते हैं डियर का बच्चा, जिसको फॉन कहते हैं. समटाइम्स दे लुक लाइक ए पेयर ऑफ स्वान्स. कभी तो लगते हैं कि ये कोई स्वान जो है, ये देखिए, ये हंस, हंस की तरह लगते हैं कभी ना उड़ते हुए, वाइट एकदम. In moments they come, in moments they go. बिल्कुल अचानक से आते हैं. Moments means अचानक आते हैं और अचानक से चले भी जाते हैं. Sometimes they freeze. कभी तो वे बिल्कुल freeze हो जाते हैं. That means जम जाते हैं. And for weeks they stay. कभी तो एक हफ्ते के लिए भी रह जाता है क्लाउड्स. एंड समटाइम्स दे डिसअपीयर. और कभी तो हमें आसमान में क्लाउड्स दिखते ही नहीं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं.
फॉर मैनी अ डे, बहुत दिनों के लिए गायब हो जाते हैं. समटाइम्स दे पोर, कभी पोर मीन्स डालते हैं, बहुत जोर के पानी डालते हैं क्लाउड्स. समटाइम्स दे थंडर, बहुत ही जो घड़म घड़म साउंड होता है ना, वैसा करते हैं. स्प्रेडिंग द कलर्स, और कभी तो बहुत अलग अलग कलर स्प्रेड हो जाता है. जब सूरज उगते हुए अगर क्लाउड्स निकलता है तो उसमें हमें बहुत सारे रंग देखने के लिए मिलते हैं. इन्हें रेनबो ऑफ वंडर, बारिश खत्म होने के बाद हमें रेनबो भी दिखती है जो कि क्लाउड्स के द्वारा ही बनाई गई होती है. एंड समटाइम्स दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, कभी तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल कर देते हैं, पूरा पानी पानी हो जाता है ग्राउंड. ब्रेकिंग द ग्लास इन रिगिंग काइंड्स, ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई शीशे की चीज तोड़ दी हो और ऐसे ही छनछनाने लगती है ना, जो बारिश का मौसम होता है तो वैसा एक आभास हमें होने लगता है. तो बच्चे ये बहुत प्यारा कविता है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा. ओके, नाउ पेज नंबर 62. द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स में पोएट्स को बहुत कुछ दिखे. हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड्स, व्हाट, क्या आप लोगों ने कभी कुछ भी देखा है क्लाउड्स में? व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू, जब आप लोग कभी आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्लाउड्स क्या करते हुए दिखते हैं? हाँ, कभी तो डांस करते हुए दिखते हैं. यस, वी सी द रेनबो आफ्टर द रेन. क्लाउड्स टेक शेप्स ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, एलिफेंट एक्सेट्रा एंड रन हियर एंड देयर इन द स्काई. क्लाउड्स को हम लोग भागते हुए देखते, लगता है कि बहुत आसमान नीचे को चला आता है जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा होते हैं और वे भागते रहते हैं. हाँ, हमें ऐसा दिखता है. हैव यू सीन अ रेनबो, when can you see a rainbow, कभी आपने रेनबो देखी है? और अगर देखी है तो कब देखी है? Yes, we can see the rainbow after the rain. हमें रेनबो बारिश के बाद आसमान में दिखाई देती है, जब बारिश थम जाता है उसके बाद. How do you feel when it rains, जब बारिश होती है आपको कैसा लगता है? We feel happy when it rains. हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है. Next question. How do you feel when it rains? कैसा लगते हैं बच्चों जब rain होती है, बारिश होती है आपके यहाँ? गर्मी के मौसम में बारिश होती है तो सबको बहुत अच्छा लगता होगा. We feel happy when it rains, है ना? Next, apart from clouds, what do you see when it rains? Clouds के अलावा जब बारिश होती है तो आपको क्या दिखता है? इन दिनों बारिश बहुत हो रही है, आप लोग आसमान को अच्छे से देखिएगा और आपको पता चलेगा कि हमें बारिश के मौसम में क्लाउड्स के अलावा we can see lightning and rainbow when it rains, है ना? Lightning होती है ना इस तरह की, थोड़ी सी बिल्कुल बहुत जोरों की जब बारिश होती है तो lightning होती है उससे पहले. What happens when it rains? क्या होता है जब बारिश होती है? When it rains, हाँ, surrounding becomes green, हर जगह हरियाली छा जाती है, सबको पानी अच्छे से मिल जाता है. Peacock starts dancing. Peacocks जो है वे डांस करने लगते हैं. Everyone becomes happy. और हर कोई खुश हो जाता है. When it rains, making paper boats and floating dam on water is really fun, isn't it? कभी आपने बारिश के पानी में पेपर से बोट्स बना के फ्लोट किए हैं? Yes, it's so funny, isn't it? Make a paper boat and float it on water. Have you had any problems during rains? कोई प्रॉब्लम आती है क्या रेन होने से? हो सकता है आपने हिंदी में भी पढ़ा था, एक तो टिप टिपुआ, जैसे कि घर में
पानी टपकने लगा हो या फिर घर के बाहर सराउंडिंग में ज्यादा पानी भर गया हो जिससे कि हमें अच्छा नहीं लगता हो बारिश, कपड़े गीले रह जाते हो. हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन्स? और क्या अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्या दूसरों के देखा है किसी को प्रॉब्लम होती होगी रेन से? हाँ, टीवी में हमको बहुत दिखता है कहीं पर फ्लड हो जाता है तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है. ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन. तो इसी तरह से खुश तो होते हैं हम, लेकिन आपको इस पिक्चर में हम सैड कब हो जाते हैं? व्हेन इट रेन, समर हैप्पी, समर सैड, इसको लेकर एक पिक्चर बनाने हैं. अगर आप हैप्पी हो जाते हैं तो उसको लेकर बनाइए, और अगर आप सैड हो जाते हैं किसी भी बात को देख के, फ्लड हो सकता है, हर जगह पानी भर जाती है, किसी के घर में पानी टपक सकता है, कोई भी बात अगर आपने देखी हो अपने आंख से, उसे बनाइए. By listening to children's experiences related to rain, discussion can take place on good and bad effects of rain. हाँ, तो good and bad effects तो हर चीज की होती है, rain की भी होती है. जैसे कि सूखी जगह में rain, पहला बारिश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बारिश ज्यादा होती है तो वहाँ के लोगों को बहुत ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि तब वहाँ पानी भर जाता है, फ्लड होने लगते हैं, रहने की जगह भी खत्म हो जाती है, पशु पक्षी सब तो कभी तो इसमें बह जाते हैं, है ना बच्चों? तो यही बात है, किसी कोई भी नेचुरल थिंग होती है उससे हमें अगर कोई बहुत सहायता मिलती है तो कभी हमें उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं. तो आज के लिए इट्स रेनिंग लेसन यही समाप्त करती हूँ. धन्यवाद. और आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इसी तरह से आप देते रहिए. आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरे इसमें कौन सी कमियाँ रह जाती है, या फिर आपको और कुछ भी समझना है. मैं तो लेसन समझा के और जो प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग कभी क्लास नहीं, कोई भी क्लास अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग लिख ले और लर्न करने लगे, ताकि आप लोग ऐसे ना बैठे रहें, इसीलिए मैं दे रही हूँ. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू बच्चों.